Hi guys, welcome to my channel Commerce Squad. और this is the part 2 of unit 3 of global strategic management. So आज हम discuss करेंगे stability strategy के बारे में सबसे पहले. So stability strategy का मतलब है कि हम अपनी जो business activity है उसमें कोई change नहीं कर रहे हैं, ठीक है. So a corporation may choose stability over growth by continuing its current activity without any significant change in the direction. कोई significant change नहीं करते हैं. इसमें जो पहली स्ट्रैटेजी आ जाती है वो आती है पॉज प्रोसीड विथ कॉशन स्ट्रैटेजी, ठीक है. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को परफॉर्म करने से पहले थोड़ा सा पॉज लेते हैं, इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है उसको चेंज होने का वेट करते हैं, सो दैट इन्वायरमेंट और फेवरेबल हो जाए, ठीक है, और हम अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट की उन्हें अच्छे से परफॉर्म कर सकें. नेक्स्ट आ जाता है नो चेंज स्ट्रैटेजी. तो नो चेंज स्ट्रैटेजी हम तब यूज़ करते हैं जब कोई ग्रोथ का ऑप्शन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पर नो चेंज स्ट्रैटेजी का जैसा मतलब है कि डूइंग नथिंग, ठीक है, इज़ अ डिसीजन टू डू नथिंग न्यू, कुछ नहीं नया नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है. सो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, ठीक है, जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी और नया थ्रेट आने लगता है वैसे ही हम उसके लिए मूव ऑन करते हैं, ठीक है, काउंटर अटैक करते हैं. थर्ड आता है हमारी प्रॉफिट स्ट्रैटेजी. तो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू आर्टिफिशियली सपोर्ट प्रॉफिट. यहाँ पर ना प्रॉफिट को आर्टिफिशियली सपोर्ट करते हैं. आर्टिफिशियली कैसे, देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, और हम कुछ अपने जो शॉर्ट टर्म डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस कर देंगे, सो दैट जो हमारा प्रॉफिट है वो आर्टिफिशियली इंक्रीज होता दिखे, ठीक है. सो हम आर्टिफिशियली सपोर्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है. अब रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी देखिए क्या होता है. A company may pursue retrenchment strategy when it has a weak competitive position in some or all of its product line resulting in poor performance. Sales are down and profit are becoming losses. ठीक है. So retrenchment strategy कब use करती है firm, जब उसके कुछ product line में या उसकी सारी product line में उसे poor performance हो रही है, sales नहीं हो रही है, sales कम है, profit जो थे वो अब losses में convert हो गए हैं, ठीक है. सो उस केस में हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जब सेल्स डिक्लाइन हो रही है, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन थी कुछ प्रोडक्ट लाइन में या सारी प्रोडक्ट लाइन में वो वीक हो रही है. सो इसमें पहला रहता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है. सो रिट्रेंचमेंट जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है वहाँ पर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अब ये स्ट्रैटेजी हम तब यूज़ करते हैं जब जो कॉर्पोरेशन में जो प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, हम उसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन फेस रहता है और एक होता है कंसोलिडेशन. तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, इनिशियली एफर्ट करते हैं, मतलब जो भी इशू आ रहा है उसे क्विकली फिक्स करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कंसोलिडेशन. सो कंसोलिडेशन इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू स्टेबलाइज द नाउ लीनर कॉरपोरेशन, ठीक है. प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट हम रिड्यूस कर सकें अननेसेसरी ओवरहेड को, अननेसेसरी ओवरहेड को, और जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम कॉस्ट जस्टिफाइड कर सकें. नेक्स्ट बात करें कैप्टिव कंपनी स्ट्रैटेजी. सो कैप्टिव कंपनी स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व्स गिविंग अप इंडिपेंडेंस टू एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी. अ कंपनी विद वीक कॉम्पिटिटिव पोजिशन मे नॉट बी एबल टू इंगेज इन फुल ब्लॉन टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ठीक है. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ अपने मैनेजमेंट फंक्शन को किसी और कंपनी को दे देते हैं और वो परफॉर्म करती है, ठीक है. सो मैनेजमेंट डिस्परेटली सर्च फॉर एंजल्स बाय ऑफरिंग अ कैप्टिव कंपनी टू वन ऑफ इट्स लार्जर कस्टमर इन ऑर्डर टू गारंटी द कंपनीज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस विथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करते हैं.
जिनको भी हम अपने कुछ मैनेजमेंट के फंक्शन या कोई प्रोडक्ट लाइन जिसमें कंपनी की वीक पोजिशनिंग है उसे मैनेज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, एक गारंटी के बदले में, ठीक है, गारंटी के बदले में फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वो मैनेज करेंगे. नेक्स्ट आता है सेल आउट और डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कंपनी की वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन है इंडस्ट्री में, ठीक है, एंड जो कंपनी है वो खुद को मैनेज भी नहीं कर पा रही है, ठीक है, बट सेल आउट स्ट्रैटेजी तब यूज़ की जाती है जब जो मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी का उसे एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, ठीक है, और वो एक अच्छा प्राइस ले पा रही है फॉर इट्स शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज कैन कीप देयर जॉब्स बाय सेलिंग इंटायर कंपनी टू अनदर फर्म, ठीक है, मतलब कि सेल आउट स्ट्रैटेजी तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी कंपनी को सेल करने पर हमें काफ़ी अच्छा प्राइस मिल पा रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा, हमारे शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा, ठीक है. लाइक अगर हम एग्जांपल ले फोर्ड, दिस वाज द स्ट्रैटेजी फोर्ड यूज्ड व्हेन इट सोल्ड इट्स स्ट्रगलिंग जैगुआर एंड लैंड रोवर यूनिट टू टाटा मोटर्स, ठीक है. सो फोर्ड ने अपनी जैगुआर और लैंड रोवर जो यूनिट थी टाटा मोटर्स को सेल कर दी थी 2008 में, ठीक है. सो ये सेल आउट स्ट्रैटेजी उसने यूज़ की थी. नेक्स्ट बात करते हैं बैंकरप्टसी एंड लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है. सो अब जो कंपनी है उसकी हालत जो है इसमें बहुत ख़राब हो चुकी है, अब उसकी हालत मतलब इतनी भी नहीं है कि उसे किसी और को सेल कर सके, कोई और सेल, क्योंकि अगर हम सेल करते हैं तो बहुत कम प्राइस मिलेगा या फिर कोई ख़रीदना भी नहीं चाहता, इतनी उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, ठीक है. नो वन इंटरेस्टेड इन बाइंग अ वीक कंपनी, ठीक है. इट इज़ एन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री, अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में है, इतनी वीक है कि उसे कोई नहीं ख़रीदना चाहता, ठीक है. बैंकरप्टसी क्या रहता है, इट इन्वॉल्व्स गिविंग अप मैनेजमेंट ऑफ द फर्म टू द कोर्ट इन रिटर्न फॉर सम सेटलमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑब्लिगेशन, ठीक है. बैंकरप्टसी में हम क्या करते हैं, अपने जो मैनेजमेंट है फर्म का उसे हम कोर्ट के हवाले कर देते हैं और कोर्ट जो है वो सेटलमेंट करता है कॉर्पोरेशन के ऑब्लिगेशन का. अब देखिए लिक्विडेशन की अगर हम बात करें, सो लिक्विडेशन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ फर्म, केस का मतलब फर्म को हम वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं. When the industry is unattractive and the company too weak to sold as given concern, management may choose to convert many saleable asset as possible cash when which is then distributed to shareholder, all its obligation are paid. So liquidation में हम basically क्या करते हैं कि अपनी firm को terminate कर देते हैं, क्योंकि वो जो है एक तो unattractive industry में है, दूसरी बात company बहुत ज़्यादा weak हो चुकी है, ठीक है. सो मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी एसेट्स को सेल कर देता है, देन फिर वो जो अमाउंट आता है कैश का फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेरियस शेयर होल्डर्स को, सारी ऑब्लिगेशन पे आउट की जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की, ठीक है. अब देखिए पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, जो वेरियस प्रोडक्ट लाइन होती हैं और जो वेरियस बिजनेस यूनिट होती हैं वो मिलके एक पोर्टफोलियो बनाती हैं, ठीक है. अब पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम दो क्या क्या डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम देखते हैं हाउ मच ऑफ आवर टाइम मनी शुड वी स्पेंड ऑन आवर बेस्ट प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट टू इंश्योर दे कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल. पहले हम ये देखते हैं कि भाई कितना टाइम कितनी मनी हम स्पेंड करें उस प्रोडक्ट पर या उस बिजनेस यूनिट पर जो कि सक्सेसफुल है अभी कंटिन्यू, ठीक है, जो अभी सक्सेसफुल है और कंटिन्यू सक्सेसफुल रहे, ठीक है. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कितनी मनी कितना टाइम हम स्पेंड करें न्यू प्रोडक्ट और न्यू बिजनेस यूनिट सेटअप करने में, ठीक है, जो कि हमें पता है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती हैं, ठीक है. सो ये दो डिसीजंस हम लेते हैं, इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस में. देखिए पोर्टफोलियो टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो दो पॉपुलर टेक्निक होती है. पहला होता है BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. यूजिंग BCG मींस बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ठीक है. सो इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पोर्ट्रे अ कॉर्पोरेशन्स
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो ये जो मैट्रिक्स है ये एक कॉरपोरेशन की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को पोर्ट्रे करती है. ठीक है, कॉरपोरेशन की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को पोर्ट्रे करती है. एंड ईच ऑफ कॉरपोरेशंस प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट इज़ प्लॉटेड ऑन मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ रेट और ऑफ द इंडस्ट्री इन विच इट कम्पीट एंड रिलेटेड टू मार्केट शेयर. अब देखिए, जो कॉरपोरेशन की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट हैं उनको इस मैट्रिक्स पे प्लॉट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड कंपनीज मार्केट शेयर. ठीक है, अब देखिए ये जो आपको लाइन दिख रही है 1.5x पर, ये जो लाइन है ये सेपरेट करती है एरिया ऑफ हाई एंड लो रिलेटेड कॉम्पिटिटिव पोजीशन. ठीक है, अब ये जो सर्कल्स हैं इनका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ ईच बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट लाइन टू द कॉरपोरेशन इन टर्म ऑफ एसेट यूज्ड और सेल्स जनरेट. ठीक है, सो ये जो एरिया ये दिखाता है कि ये जो बिजनेस यूनिट है या ये जो प्रोडक्ट लाइन है इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, ये कंपनी की कॉरपोरेशन की कितनी एसेट को कंज्यूम कर रही है, कितनी सेल्स जनरेट कर रही है. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर है वो है होता है मार्केट शेयर एंड बिजनेस ग्रोथ रेट. ठीक है, परसेंटेज में वाई एक्सिस पर. ठीक है, देन यहाँ पर देखिए स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस एंड डॉग्स. ठीक है, अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं. देखिए क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं, समटाइम कॉल्ड प्रॉब्लम चिल्ड्रन. ठीक है, सो ये जो है न्यू प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, वो न्यू प्रोडक्ट होते हैं जिनमें पोटेंशियल है सक्सेस की, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत है डेवलपमेंट होने के लिए, डेवलप्ड होने के लिए. ठीक है, इफ़ सच अ प्रोडक्ट इज़ गेन इनफ मार्केट शेयर टू बिकम अ मार्केट लीडर एंड थर्स अ स्टार, मनी थर्स बी टेकन फ्रॉम द मैच्योर प्रोडक्ट एंड स्पेंट ऑन द क्वेश्चन मार्क. अगर सच में इसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो मार्केट लीडर बन सकता है. ठीक है, सो अगर उसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि वो मार्केट लीडर बन सकता है तो फिर किसी भी मैच्योर प्रोडक्ट में से मनी को निकाल के फिर क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट लाइन में, बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट किया जाता है. ठीक है, अगर हम स्टार्स की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर जो लिए हैं, ठीक है, ये तो क्वेश्चन मार्क, ये हैं स्टार्स. ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका जो ग्रोथ रेट है एंड मार्केट शेयर भी हाई है. सो जो स्टार्स होते हैं आर द मार्केट लीडर, दे आर टिपिकली ऑल एट द पीक ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड आर एबल टू जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देयर हाई शेयर ऑफ मार्केट एंड यूजुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनीज प्रॉफिट. देखिए जो स्टार उसमें होते हैं ये मार्केट लीडर होते हैं. ठीक है, और ये अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पीक पोजीशन पर होते हैं, पीक पर होते हैं, और ये इनफ कैश जनरेट करते हैं. ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा कैश अमाउंट जो है जनरेट कर लेते हैं और इनका जो है हाई शेयर रहता है मार्केट में, मार्केट में हाई शेयर है और कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि हम एचपी प्रिंटर की बात करें, सो एचपीज प्रिंटर बिजनेस हैज़ बीन कॉल्ड एचपीज क्राउन ज्वेल. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स 41% मार्केट शेयर इन प्रिंटर. सो एचपी की जो प्रिंटर हैं उन्होंने 41% मार्केट शेयर जो है वो गेन कर रखा है. ठीक है, सो दैट वो स्टार्स की कैटेगरी में आएंगे. कैश काउस की हम बात करें, सो ये काफ़ी सही मनी जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट. ठीक है, और जितना मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए मनी चाहिए उससे ज़्यादा ये मनी कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, डिक्लाइनिंग स्टेज के केस में क्या होता है कि यहाँ से मनी को निकाल के फिर हम क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट लाइन या बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं. डॉग्स की बात करें, सो इनका जो मार्केट शेयर है वो सबसे लो रहता है, मार्केट शेयर बहुत कम रहता है और इनमें कोई भी पोटेंशियल नहीं रहती है टू ब्रिंग कैश, टू ब्रिंग मच कैश. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, डॉग्स शुड बी आइदर सोल्ड ऑफ और मैनेज केयरफुली. या तो भाई देखो इनको सोल्ड ऑफ कर दो या फिर इन्हें केयरफुली मैनेज करो और इनमें स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट करो अगर करना है तो. ठीक है,
अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. सो इट इज़ क्वांटिफिएबल, ईजी टू यूज़ है, ठीक है. एंड कैश काउ डॉग्स क्वेश्चन मार्क स्टार्स आर ईजी टू रिमेंबर, ठीक है. और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, द यूज़ ऑफ हाई एंड लो टू फॉर्म फोर कैटेगरीज इज टू सिंपलिस्टिक है, ठीक है. लिंक बिटवीन मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्वेश्चनेबल है. ग्रोथ रेट इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक है. और भी एस्पेक्ट होते हैं क्योंकि, ठीक है. सो ये तो था हमारा फर्स्ट, ये थी हमारी फर्स्ट पोर्टफोलियो टेक्निक. आई होप आपको क्लियर हो. अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अब हम बात करते हैं GE बिजनेस स्क्रीन. सो जनरल इलेक्ट्रिक विद द असिस्टेंस ऑफ द मैकिन्से एंड कंपनी कंसल्टिंग फर्म डेवलप्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स, ठीक है. सो GE बिजनेस स्क्रीन इंक्लूड 9 सेल्स. तो इसमें क्या है, 9 सेल्स होते हैं बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ कंपीटिंग पोजिशन, ठीक है. सो इसमें 9 सेल्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं कंपनी की इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन के ऊपर, ठीक है. यहाँ पर देखिए इस टाइप की मैट्रिक्स रहती है. यहाँ पर वाई एक्सिस पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड यहाँ पर रहता है बिजनेस स्ट्रेंथ, ठीक है. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई मीडियम लो, ठीक है. अब देखिए जहाँ पर बिजनेस स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हाई है वहाँ पर ये देखिए ये विनर की कैटेगरी में है, ये भी विनर की कैटेगरी में है एंड ये जो है प्रॉफिट प्रोड्यूसर है, ठीक है. यहाँ पर देखिए एवरेज तो हमारी स्ट्रेंथ है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन एवरेज है एंड जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो हाई है, ठीक है. सो ये विनर है. अगर मीडियम में है और ये एवरेज है तो ये एवरेज बिजनेसमैन, ठीक है. लो और एवरेज लूजर्स, लो वीक लूजर्स, मीडियम वीक लूजर्स में आ जाएंगे. एंड अगर इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस हाई है एंड पोजीशन वीक है, ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क, ठीक है. क्योंकि विनर की कैटेगरी में तो नहीं आ सकता क्योंकि हमारी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो वीक है, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस तो अच्छी है. अब जो यहाँ पर पाई की यहाँ पर आपको स्लाइस दिख रहे हैं ये है हमारे मार्केट शेयर, ठीक है. ये उस बिजनेस यूनिट का या प्रोडक्ट का मार्केट शेयर डिटरमाइन करता है ये, ठीक है. चलिए सो टू प्लॉट प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस लाइन बिजनेस यूनिट ऑन GE बिजनेस स्क्रीन. सो ये स्टेप्स अगर आपको ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है तो इसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं. फर्स्ट इज सिलेक्ट क्राइटेरिया टू रेट द इंडस्ट्री फॉर विच प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट, ठीक है. पहले हमें क्राइटेरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्री और प्रोडक्ट लाइन को रेट करने के लिए, ठीक है. और जो उसकी अट्रैक्टिवनेस होगी वो 1 to 5 में हम रेट करेंगे, ठीक है. देन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा की फैक्टर नीडेड फॉर सक्सेस इन ईच प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट, ठीक है. की फैक्टर देखना पड़ेगा कि सक्सेस का की फैक्टर क्या होगा बिजनेस यूनिट में और प्रोडक्ट लाइन में. फिर हम एसेस करेंगे बिजनेस स्ट्रेंथ कॉम्पिटिटिव पोजीशन फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट और फिर स्केल कर देंगे 1 to 5. प्लॉट ईच प्रोडक्ट लाइन बिजनेस यूनिट करंट पोजीशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है. फिर हम उनको क्या करेंगे मैट्रिक्स पर शो कर देंगे. प्लॉट द फर्म फ्यूचर पोर्टफोलियो अज्यूमिंग द करंट प्रेजेंट कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटजी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है. हम यहाँ पर अज्यूम कर प्लॉट करेंगे फर्म की जो फ्यूचर पोर्टफोलियो है अज्यूमिंग द प्रेजेंट कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी रिमेन अनचेंज, ठीक है. अगर हम फ्यूचर के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, ठीक है. प्रेजेंट की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी को अनचेंज्ड मानकर. पोर्टफोलियो एनालिसिस के अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो एडवांटेज में पहला ये आ जाता है दैट इट एनकरेज टॉप मैनेजमेंट टू इवेल्युएट ईच ऑफ द कॉर्पोरेशन बिजनेस इंडिविजुअल एंड टू सेट एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ईच, ठीक है. तो यहाँ ये टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि भाई किस बिजनेस यूनिट को ज़्यादा रिसोर्स देने हैं, किसको कम देने हैं, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरह से रिसोर्स एलोकेट करने हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं. इट स्टिमुलेट द यूज़ ऑफ एक्सटर्नली ओरिएंटेड डाटा टू सप्लीमेंट मैनेजमेंट जजमेंट, ठीक है.
यहाँ पर एक्सटर्नली ओरिएंटेड डाटा भी यूज़ किया जाता है सो दैट हम मैनेजमेंट के जजमेंट को सप्लीमेंट कर सकें. इट रेज द इशू ऑफ कैश फ्लो अवेलेबिलिटी, ठीक है, कैश फ्लो अवेलेबिलिटी के इशू को भी रेज करता है, ठीक है. इट्स ग्राफिक डिपिक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती है इसकी जो ग्राफिक डिपिक्शन है. लिमिटेशन क्या है, डिफाइनिंग प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ईजी नहीं होता है कि भाई कितना सेगमेंट है उसका. इट सजेस्ट द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी दैट कैन मिस अपॉर्चुनिटी और इम्पैक्टिकल, ठीक है. यहाँ पर क्या है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई गई है यूज़ करने के लिए, तो इससे क्या है अपॉर्चुनिटी मिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इट प्रोवाइड एन इल्यूजन ऑफ साइंटिफिक रिगर विच इज़ रियलिटी विच इन रियलिटी पोजिशन आर बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट, राइट. सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, डायरेक्शनल की लास्ट स्ट्रैटेजी है. सो पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी में हम डिस्कस करते हैं व्हाट बिजनेस शुड दिस कंपनी ओन एंड व्हाई, मतलब किस बिजनेस को ओन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस फिलॉसफी विल फॉस्टर